हेलो, राम राम जी। सारा ने आप सबका स्वागत है किचन रेसिपीज ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम किचन रेसिपीज में आसान और झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्थ न्यूट्रिएंट से भरपूर होने वाली है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के चिल्ले की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। चिल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी बारीक सूजी को लिया है। आप इसकी जगह पर मोटी सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे एक बर्तन में डाल दें। इसके बाद इसमें आधा कटोरी दही और आधा कटोरी पानी डालकर इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए ढक कर रख दें। अब 15 मिनट बाद सूजी ने दही और पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और यह अच्छे से फूल गई है। और ध्यान रखें, हमें यहाँ पर बैटर को ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब इसके बाद इसमें 2 बारीक कटे प्याज, 2 बारीक कटी शिमला मिर्च, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच बारीक कटा अदरक, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच या स्वाद अनुसार सेंधा नमक, साथ में आधा चम्मच सूखा पुदीना। आप इसकी जगह पर फ्रेश पुदीना के पत्ते भी ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को इसमें डालकर इन्हें एक चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद एक लोहे के पैन में आधा चम्मच सरसों तेल डालकर उसके गर्म होने के बाद इसमें एक चम्मच काली सरसों डालकर उसे चटकने दें और फिर उसे तैयार किए हुए बैटर में डाल दें। इससे आपका चिल्ला खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब चिल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लोहे के तवे को अच्छे से धोकर गर्म करने के लिए रख दिया है। तवा गर्म होने के बाद इस पे आधा चम्मच ऑयल को तवे के चारों तरफ डाल दें। इसके बाद इस पे तैयार किए बैटर को एक चम्मच की सहायता से डालकर इसे फैला दें। और ध्यान रखें, गैस का फ्लेम यहाँ पर लो मीडियम ही रखें। अब जैसे ही यह नीचे से थोड़ा पक जाए, तब इस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे पलट दें। अगर आपको यहाँ पर लोहे के तवे पर चिल्ला बनाते समय कोई परेशानी हो रही है, तो आप इसकी जगह पर नॉनस्टिक तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पलटने के बाद अगर आपको यहाँ पर ऑयल की ज़रूरत लगे तो इस पर लगा लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे दोनों साइड से अच्छे से पका लें। और जब यह दोनों साइड से पक जाए और इसका एक अच्छे से कलर आ जाए, तब इसे निकाल लें। अब ये देखिए, यहाँ पर सूजी का झटपट बनने वाला हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। अब इसे चटनी के साथ सर्व करें और इसका इंजॉय लें। तो दोस्तों, आप भी इस आसान और हेल्दी चिल्ला रेसिपी को ट्राई करें। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।